लोकसभा चुनाव के परिणाम ने यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती को बेहद निराश किया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बसपा के पाले में एक भी सीट नहीं आई। बसपा नील बटे सन्नाटा हो गई। चुनावी नतीजों में मिली हार पर बसपा सुप्रीमो ने अपनी पहली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी है, जिसपे उन्होंने एक खास वर्ग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने 2 पेज का लेटर एक्स पर पोस्ट किया, जिसपे उन्होंने मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। मायावती ने हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ते हुए कहा, बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बसपा ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। यहां तक कि सबसे हॉट सीट वाराणसी और कन्नौज में भी मायावती ने मुसलमानों पर दाम चला था। पीएम मोदी और अखिलेश यादव के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी ही खड़े किए थे, लेकिन सभी ने मायावती को इस कदर निराश किया है कि अब उन्हें इस फैसले पर पछताना पड़ रहा है। जहां मायावती मुसलमानों से खफा हुई, तो वहीं दलित वर्ग का उन्होंने आभार भी जताया, लेकिन मायावती का मुसलमानों पर यूं तमतमाना संकेत दे रहा है कि अब शायद ही किसी चुनाव में वो अपनी पार्टी से मुस्लिमों को टिकट दे, लेकिन ऐसा करने से बसपा को कोई फायदा होगा भी या नहीं, ये सवाल बड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।